अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार आलू की कतलियों की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि हम हरी मिर्च फ्लेवर के साथ तैयार करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ली हैं, देख लेते हैं। आलू बनाने के लिए तो ये आलू ले लिए थे आधा किलो, जिनको इस तरह से हमने पतले, ना बहुत ज़्यादा मोटे काटे हैं और ना बहुत ज़्यादा पतले काटे हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पर इनको आलू के चंदे भी बोला जाता है। तो आधा किलो आलू लेकर इस तरह से काट लीजिएगा, धोकर अच्छी तरह से। दो बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनका बिल्कुल छिलका उतार कर साफ़ कर लिया है और ऐसे ही रफली काट लिया है। और 8 से 10 लिए हैं यहाँ पर हमने हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च के फ्लेवर वाले आलू हैं। एक छोटे साइज़ की प्याज लेकर स्लाइस में काट लिया है। 1 टीस्पून लिया है इसमें नमक, तो प्याज को बारीक स्लाइसेस में काट लीजिएगा। इसी के साथ जाएगा जीरा 1 टीस्पून और जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। तो चलिए, ये सारी चीज़ें तो हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब झटपट से आलू की कतलियाँ बनानी शुरू करते हैं, बहुत ही मज़ेदार। तो कढ़ाई ले ली है, तेल डाल लिया है। तेल आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मस्टर्ड ऑयल लिया था, जिसे अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें डाल ली है हमने प्याज। प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में काटिएगा। तो जैसे ही प्याज हल्की सी हमारी फ्राई होगी, साथ ही इसमें डाल देंगे ज़ीरा, और दोनों चीज़ों को हल्का सा चलाकर बस फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा वक्त इन आलू की कतलियों में बनाने में बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती हैं। 10 से 15 मिनट में आपकी आलू की कतलियाँ जो हैं बहुत ही लजीज बनकर तैयार होंगी। अब जैसे ही दोनों चीज़ें, ज़ीरा और प्याज भुनी, फ़ौरन ही हमने डाल दी है इसमें हरी मिर्च। अब जैसे ही गर्म तेल में आप हरी मिर्च ऐड करेंगे ना, तो इतना शानदार फ्लेवर हरी मिर्च का आएगा कि आप को खुशबू से ही मज़ा आ जाएगा। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसी के साथ डाल देंगे आलू। तो बिल्कुल हमने पानी निकाल कर आलू को डाल दिया है। अब इस तरह से जैसे जैसे आप इसे, इन आलू को फ्राई करते जाएंगे, आलू बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी होते जाएंगे और इन पर एक अच्छा सा भुना भुना कलर भी आ जाएगा। तो इस रेसिपी के अंदर हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ ये हम ऑयल में ही बनाकर तैयार करेंगे। तो जो आलू ऑयल में बनकर तैयार होते हैं ना, बिना पानी के, वो बहुत ही जायकेदार बनते हैं। और साथ में हमने दिया है इसमें ज़बरदस्त हरी मिर्च का फ्लेवर। तो हमारे जो हरी मिर्च वाले आलू बनकर तैयार होंगे ना, उसकी खुशबू अभी से किचन में महकने लगी है, और आलू भी बातों बातों में हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब जैसे ही आलू आपके फ्राई होंगे ना, साथ में आपको डाल देनी है इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और साथ ही ऐड कर देंगे नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, लेकिन ये जो हरी मिर्च वाले आलू बनते हैं, ये थोड़े से चटपटे अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च ही तीखेपन के लिए ऐड की है। अब बस इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जैसे ही ये अच्छे से फ्राई होंगे, साथ ही हमने इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए टमाटर। तो देखिए, बहुत अच्छे से आलू फ्राई हो चुके हैं, कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आ चुका है। बस अब इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करके मिक्स करना है। अब इसे कवर करके हम 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद बीच में ढक्कन हटाकर हम चेक करेंगे आलू कहीं जलने न लगे, क्योंकि पानी इसमें हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। ये बिना पानी के आलू बनकर हमारे तैयार होने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं, हमने बीच में इसे चला दिया है, लेकिन आलू अभी थोड़े से हमारे कच्चे हैं। तो हम इसे फिर कवर करेंगे और 5 मिनट और पकाएंगे। तो 10 से 12 मिनट हमने आलू को लो फ्लेम पर पका दिया है, और माशाल्लाह से आलू जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त भुने भुने बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, बहुत शानदार हमारे आलू की कतलियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। आप इसे बनाकर लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं,
और किसी भी टाइम आप लंच में, डिनर में, कैसे भी आप इन्हें बनाकर खा सकते हैं। अब ऊपर से डाल दिए हैं हमने 2 हरी मिर्च काटकर और हरा धनिया डाल दिया है, और बस अभी इनको डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं बड़े खुशबूदार हमारे हरी मिर्च की आलू की कतलियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you.